अस्पताल में ऋषि कपूर भर्ती, शूटिंग बीच में छोड़ दिल्ली पहुंचे रणबीर आलिया। अभिनेता ऋषि कपूर के प्रशंसकों को ये खबर परेशान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ऋषि कपूर इस वक्त दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। ऋषि को किस वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है इसका कारण पता नहीं चला है। इसके साथ किस अस्पताल में भर्ती हैं उसकी जानकारी भी नहीं मिली है। ऋषि कुछ वक्त पहले ही कैंसर की जंग जीतकर भारत लौटे हैं। पिंक अविला वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि कपूर के अस्पताल में भर्ती होने की खबर कुछ ऑनलाइन यूजर्स ने नोटिस की। ऐसा तब हुआ जब नीतू कपूर, रणबीर और आलिया भट्ट अरमान जैन की मेहंदी सेरेमनी में नहीं दिखे। ऐसी खबरें थी अरमान जैन के शादी से पहले की रस्मों में रणबीर और आलिया एक साथ परफॉर्म करने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी की वजह से आलिया भट्ट ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की जल्दी से शूटिंग खत्म। इसके बाद रणबीर के साथ दिल्ली के लिए रवाना होगी। ऋषि कपूर की बात करें तो वो कैंसर के इलाज के दौरान एक साल से ज्यादा वक्त तक न्यूयॉर्क में रह चुके हैं। कैंसर मुक्त होते ही ऋषि ने द बॉडी फिल्म से सिनेमा जगत में वापसी की। इस फिल्म में ऋषि कपूर के अलावा इमरान हाशमी भी थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। ऋषि कपूर जल्द ही दीपिका पादुकोण के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। कुछ दिन पहले इन दोनों सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी थी। नीले रंग के पोस्टर के रूप में जानकारी साझा करते हुए दीपिका ने लिखा था, अपनी अगली फिल्म की घोषणा को लेकर उत्साहित हूँ। यह फिल्म द इंटर्न का भारतीय रूपांतरण है जो अगले साल यानी कि 2021 में रिलीज होगी। वहीं ऋषि कपूर ने लिखा, द इंटर्न के रीमेक और दीपिका पादुकोण के साथ एक नई शुरुआत कर रहा हूं। यह फिल्म दीपिका के का प्रोडक्शन वार्नर्स ब्रदर्स और एजियूर के बैनर तले बनेगी। फिल्म के निर्देशक का नाम अभी साझा नहीं किया गया है।